हमारे चैनल क्रिएटिव एजुकेशन आईडी में स्वागत। तो आज का वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत बड़े खुशखबरी, मतलब रेलवे की तरफ से फिर अभी 1.5 लाख वैकेंसी निकल रहा है और आगे भी बहुत जल्दी आपको 2.5 लाख वैकेंसी और देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी। और जो 10th क्वालिफिकेशन से भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, जो हर किसी के पास होता है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, तो इसके बारे में ये वीडियो पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा आखिरी तक बने रहे, और आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं और आपके लिए मदद करें तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि आपको दोस्त को भी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और एक बात, आप अगर इस वीडियो से आपको मदद मिल रहा है तो बनता ही है कि आपका इस चैनल को प्यार देने की, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बता दें आपको, रेलवे की तरफ से पिछली जो वैकेंसी से जो ड्राइव चल रहा था वो फिलअप नहीं हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। फिर भी रेलवे की तरफ से जो मांग की गई थी रेलवे की तरफ से बच्चों की, कि जो वैकेंसी को बढ़ाया दिया जाए, क्योंकि आपको पता है जो ALP का वैकेंसी बढ़ाया दिया गया था, फिर ग्रुप डी में भी दावी हुआ था कि वैकेंसी बढ़ाने के लिए, पर गवर्नमेंट ने भी नहीं बढ़ाया और एक रिक्रूटमेंट ला खड़ा कर दी बच्चों के सामने, क्योंकि बहुत सारे फ्रेश बच्चे भी अब तक आ गए हैं और जो मतलब ये चले गए बच्चे वो उसके लिए कुछ फ़ायदा नहीं। फिर भी तो हम साधुवाद देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि इतनी वैकेंसी ला रही है, फिर भी भारत में इतना बेरोजगारी है, तो कोई इतना ही वैकेंसी निकाले उसको फिलअप नहीं कर सकता। तभी फिर भी ये जो वैकेंसी राहत दिलाने वाली है, अगर आप कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने, तो आपको जब मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए अभी 1.5 लाख वैकेंसी, करीबन 1 लाख वैकेंसी आ रही है, तो आपके लिए 1 लाख वैकेंसी बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। तो आपके सामने है, थोड़ी हम फेसकैम में करें तो उल्टा दिख सकता है, इसीलिए उल्टा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको 1 लाख वैकेंसी और उसके साथ आपको 30,000 वैकेंसी, तो आपको उसके साथ 30,000 वैकेंसी मिलाकर आपको ये देखने को मिलेगा, और उसको मिलाकर आपको आपके लिए आ रहा है करीबन 1,30,000 वैकेंसी। ये वैकेंसी आपके लिए निकल के आ रहा है बहुत जल्द, तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और उसके जो लेटर है और उसका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या है, लेटर क्या है, उसके रिगार्डिंग पूरा हम आपको जानकारी देंगे अभी इस वीडियो में देंगे। तो आप बने रहिए पूरा लास्ट तक, ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या क्वालिफिकेशन, मतलब 10th क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, पर जो 30,000 वैकेंसी है ये कुछ 30,000 है, ये थोड़ा आपको पैरामेडिकल स्टाफ, जो स्टेनोग्राफर, टाइपर, ये टाइपिस्ट, ये सब वगैरह में देखने को मिलेगा, तो आपको डिटेल पता चल जाएगा। और ये आपको अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड नहीं हुआ है, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उस दिन अपलोड हो जाएगा। आपको मार्च जो फरवरी के 28 तारीख को एक जो अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, और एक हो रहा है 4 तारीख को, मार्च 4 तारीख को, एक 8 तारीख को, और ये जो 1 लाख वैकेंसी है ये आपको होगा 12 तारीख को, मार्च 12 तारीख को अप्लाई स्टार्ट होगा, और उसी दिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट में उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप इसके बाद का वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कि ये कब से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या बराबरियाँ हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, उसके बाद आपको ये इसके बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल है, और आपको ये देखने को मिलेगा अप्लाई करने को 28 तारीख के, इस महीने के 28 तारीख से देखने को मिलेगा बिल्कुल, और पूरे डिटेल हम बताएंगे ये इसके बारे में। आप पूरा अंत तक रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि आज कितना पोस्ट निकला है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से रेलवे निकल पोस्टिंग निकल के आ रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आप देख चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, RRB एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड किए हैं, जो 1.30 लाख जो वैकेंसी है उनके ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, नन जो टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज है NTPC, उनके लिए भी आए हैं, जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, टाइपिस्ट, ये सब वगैरह आप देख सकते हैं, और टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड गार्ड, सीनियर कमर्शियल, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट आपको अपनी होगा 28 तारीख से देखने को मिलेगा। और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, यहाँ भी स्टाफ नर्स, हेल्थ, जो मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, ठीक है, ECG टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब सपोर्टेंट, ये भी 28 तारीख से, ये 4 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन उसका आएगा, मार्च 4 तारीख से आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो रहा है, जो आइसोलेटेड जो कैंडिडेट कैटेगरीज रहा है, जो स्टेनोग्राफर,
चीफ लो असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, ठीक है, ये सब का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा 8 तारीख से, मार्च 8 तारीख से देखने को मिलेगा। और जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है, जो ग्रुप डी का हम बोल सकते हैं, उसका 1 लाख वैकेंसीज आ रही है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ओपनिंग होगा 12 तारीख से, ठीक है, तो 12 तारीख से मार्च, 12 मार्च को ओपनिंग होगा इसका। ये आपको देखने को मिलेगा ट्रक मेंटेनर ग्रेड, जो हेल्पर असिस्टेंट, वेरियस टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एसटी, ये सारे डिपार्टमेंट में असिस्टेंट जो पॉइंट्स मैन लेवल 1 पोस्ट, ये वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 लाख वैकेंसी आ रही है, और जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज है एनटीपीस, वहाँ 30 वो पैरामेडिकल स्टाफ, तो ये सब मिला के 30,000 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए वैकेंसी जो आपको पता चल गया होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो CEN विल पब्लिश ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग RRB इंडिकेटेड पारा 15 पारा 16 बिलो, द डिटेल्स CEN विल पब्लिश इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन द ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ रेस्पेक्टिव CEN। तो जिस दिन वो CEN का जो पोस्ट निकला है उसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, उसी दिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट में उसका PDF वगैरह देखने को मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। तो वैकेंसीज इंडिकेटेड अबव द CEN आर प्रोविजनल एंड मे इंक्रीज या डिक्रीज, तो इसमें इंक्रीजमेंट हो सकता है, डिक्रीजमेंट हो सकता है। आपको जैसे पता है इस बार जो लोको पायलट है, जो असिस्टेंट जो लोको पायलट, उनका पोस्ट मतलब 2.5 गुना की गई थी, ठीक है, जितना था उसको बढ़ा दिया गया था। तो इसे भी हो सकता है जो वैकेंसी को नज़र में रखते हुए वो भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ जो सबसे बड़ी बात, आपको जो कैटेगरीज है यह आप देख सकते हैं, UR SC ST OBC EWS, EWS मतलब 10% रिजर्वेशन मिलेगा जो इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन में है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में है उनके लिए मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको पता है इस साल लागू की गई जनरल के लिए 10% का जो रिजर्वेशन, जो ओपन फील्ड था पहले 50% उसको घटा लिया गया है, 40% अपन फील्ड रखकर 10% दिया गया है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए। तो आपका एज कितना होना चाहिए, आपका एज 1/7/2019 तक आपका एज जो पब्लिश होगा, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन, आपका जो पब्लिश होगा एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में, उसके तहत आपको एज होना चाहिए। आप जो पब्लिश होने के बाद हाँ बिल्कुल आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तब तक आप वेट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो उसके बाद पे अलाउंसेस, वो भी डिक्लेरेंस पे अलाउंस पे इसके तहत आपको मिलेगा, लगभग आपको 30,000 मिलता है ग्रुप डी में। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हर जो पोस्ट के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो आज क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको जो कैंडिडेट राइटिंग पर रिजल्ट, तो आपको जो क्लोजिंग डेट होगा, रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट होगा, तो उसके पहले से आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपको वो फुलफिल करना है, ठीक है। तो उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड आपका जो एक बैलेंस मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद रिजर्वेशन सुइटेबल पर्सन, तो PW जो BD कैंडिडेट है, जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है, उनके लिए सहायता दी जाएगी, एसएससी कैंडिडेट को भी दी जाएगी। और यहाँ रिजर्वेशन फॉर इक्वल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो मैं बोल रहा था, फॉर डिटेल रेफर द डिटेल CEN टू बी पब्लिश इन द ऑफिशियल वेबसाइट RRBs RRCs। तो ये आगे आने वाले दिन में पब्लिश होगा, जो दिन जिसका जो रिक्रूटमेंट फिलअप स्टार्ट होगा उसी दिन ये पब्लिश हो जाएगा। तो ये मोड एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड, आपको जैसे पता है, और आपको फ़ी देना पड़ेगा, 500 रुपया फ़ी देना पड़ेगा जो जनरल कैटेगरी है, तो आपको 400 रुपया रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो ड्यू लगता है जो एग्ज़ाम कराने के, उसको छोड़कर 400 रुपया आ जाएगा, लगभग 390 रुपीज़ आता है लगभग, ठीक है। तो ग्रुप डी का जो पिछली बार जो एग्ज़ाम दिए थे सब, उसका जो पैसा है वो रिफंड आ चुका है, ठीक है।
फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST एक्सर्विसमैन PWIDs फीमेल ट्रांसजेंडर। तो ये सब सबके लिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है, जो जनरल जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में अप्लाई करेंगे उनके लिए 250 रुपया देना पड़ेगा और पूरा 250 रुपया उनको रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो इवेंट देखने को मिलेगा NTVC का वो इवेंट, वो 28 जो पहले हम बता चुके हैं 28 तारीख से स्टार्ट होगा उसका अपडेट, वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके लिए 4 तारीख को स्टार्टिंग होगा अप्लाई। और जो जो एप्लीकेशन देते हैं मतलब आइसोलेटेड जो मिनिस्ट्रल एंड आइसोलेटेड जो कैटेगरीज है उनके लिए ये 8 मार्च से शुरू हो रहा है। और ओपनिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ जो एप्लीकेंट्स Level 1 ठीक है फॉर RRCs, तो यहाँ आपको 12 तारीख से स्टार्ट होगा, 12 मार्च से स्टार्ट होगा। तो ये रहा आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पैरामीटर टेबल वैकेंसीज टेबल एंड तो आइए आपको ऑनलाइन में देखने को मिलेगा RRB एंड RRC में। बिल्कुल आप वेट कर लीजिए जब तक ये पोस्ट निकलता है, मतलब अप्लाई स्टार्ट होता है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डाटा अपलोड करेंगे उसके तहत आपको जो आपको एलिजिबिलिटी मांगा जाएगा, एलिजिबिलिटी आप क्या है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट CNS RRB RRC shall not entertain any representation of modification of the information fund। तो आपको करेक्शन करने के लिए डेट नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात। और आपको RRB कहाँ RRB है और उसका वेबसाइट भी दी गई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप जो भी रीजनल जो RRB है वो आप वहाँ आपका उसका रोल नंबर उसका जो वेबसाइट आप यहाँ देख लीजिए। और वो नीचे वाला सेक्शन में आपका RRC से, तो RRC में भी आपको देखने वेबसाइट दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट। तो ले पोस्ट आपको 1 लाख पोस्ट निकल रहा है, तो बहुत बढ़िया अमाउंट में पोस्ट निकल रहा है। तो आपको एक गोल्डन चांस है जब पाने के लिए 2019 में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत मदद आया होगा और आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे और चैनल को अगर नहीं देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई एजुकेशन वीडियो में, तब तक आप सब खुश रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।